दोस्तों, आप लोगों ने कई जीवों के अलग अलग तरह के अंडों को देखा होगा। इनमें से कईयों के अंडे आपको बहुत यूनिक लगे होंगे, लेकिन इस वीडियो में आप जिन जीवों के अंडों को देखोगे वो आपको हैरान कर देगा। वीडियो को अंत तक देखना, आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आ सके। तेनामो, आप में से कई लोगों ने इस पक्षी को शायद पहली बार देखा होगा। बहुत कम दिखाई देने वाली इस पक्षी की मात्र 47 जोड़ी ही इस दुनिया में बची है। सीक्रेट लाइफ जीने वाली इस पक्षी की खास बात है कि इसके अंडे कई रंगों के होते हैं। तेनामो के ज्यादातर अंडे काले और चमकीले ब्लू रंग के होते हैं। मादा तेनामो अंडे देने के बाद घोंसला छोड़कर चली जाती है, जिसके बाद नर अंडों से चूजा निकलने तक अंडों का ध्यान रखता है। इनके अंडे आकार में मुर्गियों के अंडे जैसे ही होते हैं। क्या आपने कभी किसी पक्षी के रंग बिरंगे अंडे देखे हैं? कमेंट में जरूर करना। ऑक्टोपस एग। आप सभी ऑक्टोपस के बारे में जरूर जानते होंगे, लेकिन शायद आपको यह पता नहीं होगा कि एक जाइंट ऑक्टोपस 2000 से 1 लाख तक अंडों को दे सकती है। ऑक्टोपस के अंडे अंगूर के गुच्छों के समान दिखाई देता है। अंडे देने से पहले मादा ऑक्टोपस समुद्र की गहराई में चली जाती है, जहां पत्थरों के बीच वे अपने अंडे देती है। लेकिन सबसे चौंकाने वाली घटना इसके बाद घटती है। साइंटिस्ट का कहना है कि मादा ऑक्टोपस अंडे देने के बाद सुसाइड कर लेती है। इसका क्या रीजन है अभी पता नहीं चल पाया है, लेकिन यह घटना कुछ कुछ वैसा ही है जैसा कि सैल्मन मछलियां हजारों किलोमीटर की दूरी तय करके अपने जन्म स्थान पर अंडे देकर मर जाती हैं। हॉर्न शार्क एग। शार्क प्रजाति के 70% स्पीसीज बच्चों को जन्म देती है, तो 30% शार्क अंडे देती है। ड्रिल बीट की तरह दिखाई देने वाले यह अंडे हॉर्न शार्क के हैं। अजीब से दिखाई देने वाले इस अंडे का ऊपरी कवच काफी मजबूत होता है, जिसमें छोटे बच्चे अंदर सुरक्षित रहते हैं। मादा अंडे देने के बाद उसे मुंह से उठाकर किसी सुरक्षित जगह पर रख देती है, जहाँ बच्चे बड़े होकर सुरक्षित अंडों से बाहर निकल आते हैं। ग्लास फ्रॉग एग। दोस्तों, बारिश के दिनों में गड्ढों में जमे पानी में मेंढकों के अंडों को आप सभी ने देखा होगा, लेकिन ग्लास फ्रॉग का अंडा देने का तरीका बिल्कुल अलग है। ये मेंढक अपने अंडे पेड़ के पत्तों पर देते हैं, जहां अंडे तब तक पत्तों से चिपके रहते हैं जब तक कि उनसे बच्चे ना निकल आएं। इनके अंडे इतने पारदर्शी होते हैं कि आप बाहर से ही अंडों के अंदर बच्चों के ऑर्गेन्स देख सकते हैं। मादा के अंडे देने के बाद इसके देखरेख की जिम्मेदारी नर मेंढक पे होती है। नर मेंढक पूरी ताकत से अंडों की रक्षा करते हैं। सी हॉर्स एग। दोस्तों, सी हॉर्स की खास बात है कि फीमेल प्रजनन के बाद लगभग 1500 अंडे मेल सी हॉर्स के बॉडी में बने पाउच में देती है। मेल लगभग 45 दिनों तक अंडों को अपने शरीर में रखता है, जिसके बाद बच्चे बड़े होकर सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। कैलिफोर्निया ग्रूनियन फिश एग। दोस्तों, लगभग सभी मछलियां पानी के अंदर ही अंडों या बच्चों को देती है, लेकिन ग्रूनियन फिश के मामले में ये सभी बिल्कुल अलग है। मेल और फीमेल ग्रूनियन फिश समुद्र से बाहर आकर सी बीच पर एक दूसरे के साथ मेटिंग करते हैं। ये केवल सी बीच पर मेटिंग ही नहीं करते, बल्कि फीमेल गीली रेत में अंडों को भी देती है, ताकि अंडे समुद्री प्रीडेटर से सुरक्षित रहे। इन अंडों के सेल इतने हार्ड होते हैं कि रेत में दबने या सी बीच पर घूमने वाले लोगों से भी इसे कोई नुकसान नहीं होता है। 45 दिनों के बाद बच्चे अंडों से बाहर निकलते हैं, जो समुद्र की लहरों के साथ वापस समुद्र में ही चले जाते हैं। येलो हेड जॉ फिश। खूबसूरत सी दिखाई देने वाली इस छोटी सी मछली की एक खास बात आपको हैरान कर देगी। जी हाँ दोस्तों, समुद्र के तल पर बने होल में पाए जाने वाली येलो हेड जॉ फिश अपने अंडों को मुंह में तब तक रखती है जब तक कि बच्चे उनसे बाहर न निकल जाएं। फीमेल फिश मेटिंग करने के बाद समुद्र तल पर अंडे देकर वहां से चली जाती है, जिसके बाद मेल उन सारे अंडों को अपने मुंह में लेकर समुद्र के तल पर बने होल में चला जाता है। मेल फिश अंडों को खाता नहीं है, बल्कि अन्य प्रीडेटर मछलियों से बचाने के लिए वह ऐसा करता है। वह होल से कभी कभी बाहर भी आती है ताकि ऑक्सीजन ले सके। दोस्तों, आपको इनमें से किन जीवों के अंडे और उसे सुरक्षित रखने का तरीका अच्छा लगा कमेंट जरूर करना।